डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडियट एक्सप्लोसिव डिसडर जब भी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हम डी एस एम फाइव की बात करते हैं हम इस चीज़ की बात करते हैं कि डी एस एम फाइव हमें क्या क्राइटेरिया दे रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहेंगे कि जो एक बच्चा है उसे इंटरमीडियंट एक्सप्लोसिव डिसडर है इधर आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि इंटरमीडियट एक्सप्लोसिव डिसडर जो है आपने किसी भी बच्चे को जो छः साल से कम है उसको आपने डायग्नोज नहीं करना अब ये जो छः साल की उम्र मैं बोल रही हूँ दैट इज द मेंटल एज यानी अगर एक एम बच्चा है जो कि बारह साल का चौदह साल का या सत्रह साल का है लेकिन उसकी जो मेंटल एज है दैट इज द दिक्स ईयर्स इक्वल टू सिक्स ईयर्स और उसमें एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो डिस इन रेफरेंस टू द सिचुएशन डेवलप हो रहा है तो आप उसको भी इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस इन एडिशन टू द अदर डायग्नोसिस दे सकते हैं ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि डी एस जो है वो किस तरीके से इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का क्राइटीरिया जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है दैट इज द रिकरेंट बिहेवरल आउटप्रस्ट ठीक है और किस तरह कि द चाइल्ड इज अनएबल टू कंट्रोल हिज और हर एग्रेसिव इम्पल्स ठीक है जो एग्रेसिव इम्पल्स है वो बच्चे की अनकंट्रोलेबल होती है और जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो मैनिफेस्ट करता है दो तरीकों से एग्रेशन को नंबर वन वर्बल एग्रेशन नंबर टू फिजिकल एग्रेशन अब वर्बल एग्रेशन में जिस तरह हम बात करते हैं अक्सर कि वर्बल एग्रेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेम्पर टेंड्रम इन फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, इन फॉर्म ऑफ वर्बल आर्गूमेंट्स ऑफ फाइट्स तो टेम्पर टेंड्रम वी ऑल नो कि जो टेम्पर टेंड्रम है उसमें बच्चा जेलिंग करेगा वाइनिंग करेगा स्क्रीमिंग करेगा हटिंग करेगा किकिंग करेगा वेन वी सेट दैट इट कैन बी आर ट्राइड फॉर्म दैट्स मीन की जो बच्चा जो है वो क्रिटिसाइज करेगा एक लॉन्ग स्पीच देगा जिसमें उसका काम जो है वो दूसरे बंदे के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर एक क्रिटिसाइज़ uh, करना होगा ठीक है इसके अलावा वर्बल आर्गूमेंट्स करेगा मदर के साथ टीचर के साथ और वर्बल फाइट्स भी जो हैं वो हो सकती हैं ठीक है इसी तरह जब फिज़िकल एग्रेशन वो शो करता है या एक्जबिट करता है तो दैट कैन बी टू वर्ड्स प्रॉपर्टी एनिमल एंड अदर इंडिविजुअल। तो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो उसके टॉयज़ uh, हैं वो उनको तोड़ देगा कॉपी है उनको ख़राब कर देगा इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो उसकी स्पेस के अंदर मौजूद हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमल को एकदम से उठा के परे कर देना गुस्से के अंदर आके मतलब जैसा पेट होते हैं घर में अगर कैट उसके पास है या डॉग उसके पास है और एकदम से उसे किसी चीज़ पे गुस्सा आया तो वो विदाउट कंसिडरिंग एनी थिंग वो एकदम से उसे थ्रू आउट करेगा इसी तरह दूसरे इंडिविजुअल को वो हिट कर सकता है तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो टाइम सम गिव द फिजिकल इंट्री टू द इंडिविजुअल और द अदर पेट और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये ट्वाइस वीकली अकर करेगा और इसका टाइम पीरियड क्या है थ्री मंथ्स का तो आपने जब भी कोई डायग्नोसिस देना है तो उसमें टाइम पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दिस थिंग तीन महीने में दो दफा जो है वीक के अंदर उसका ये बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा हो ठीक है इसी तरह जो बिहेवरल आउटब्रस्ट हैं जिसके अंदर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है या फिजिकल इंजरी अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल है वो अकर करें विद इन ट्वेल्व मंथ पीरियड ठीक है विद इन ट्वेल्व मंथ पीरियड के अंदर ये चीज़ अकर करेगी और ये इनफ्रीकुंट होगी जैसा हमने पहले क्राइटेरिया वन के अंदर हमने बात की कि जो अकेंस ऑफ बिहेवियर है वो फ्रीक्वेंट है और वो थ्री मंथ्स के अंदर ट्वाइस वीकली अकर होगा यहाँ पर विद इन ट्वेल्व मंथ पीरियड के अंदर आपको उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की जो एक्जिबिशन है वो आपको नजर आएगी ठीक है इसी तरह जो बी क्राइटेरिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से उसका जो बिहेवियर है वो डिस होगा ठीक है Disproportionate का मतलब क्या है कि वो सिचुएशन इरिटेबल होगी वो सिचुएशन डिस्टर्बिंग होगी लेकिन जो बच्चे का एग्रेसिव आउटपुट होगा वो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा होगा तो ये एक चीज बहुत ज्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है देन आपकी जो रिकरेंट आउटब्रस्ट है एग्रेसिव आउटब्रस्ट है वो पहले से डिटर्मिंड नहीं होंगी ठीक है यानी वो पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रहा होगा जैसा हम कहते हैं ना कि एग्रेशन जो होता है वो इमोशनल भी होता है और कॉगनेटिव भी होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड इन रेफरेंस टू कि ये जो एंगर है वो उनका एग्रेशन का जो एग्जिबिशन है वो इमोशनल होगा और इम्पल्सिव होगा क्योंकि वो बिल्कुल एट द स्पर ऑफ द मोमेंट में वो कोई चीज़ देखेंगे और उसके ऊपर वो एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे ठीक है देन द डी क्राइटीरिया जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है वो मार्क डिस्ट्रेस जो है वो कॉज करेगा उसके ऑक्यूपेशनल फंक्शनल और फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंस जो हैं उसे समटाइम फेस करने पड़ेंगे जिस तरह अगर वो स्कूल में है और स्कूल में वो इम्पलसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो माइट भी कि उसको रेस्टिगेट कर दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए उसकी जो भी काम वो कर रहा है उससे ठीक है तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडली इस चीज़ को अपने अपने जहन में रखना है कि ये जो इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जो है ये एग्जिबिट तो छः साल की उम्र में होना शुरू होता है लेकिन ये समाइम बहुत लंबे अरसे तक यानी पचास साल की उम्र तक भी लोगों के अंदर रिपोर्ट किया जाता है ठीक है इसका जो एग्जिबिशन है वो फोर्टी ईयर्स से पहले पहले हो सकती है मैनिफेस्टेशन फोर्टी ईयर्स के बाद इट इज़ लेस लाइकली कि ये एग्जिबिट हो तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग ये हमने डेवलपमेंटल लेवल की पहले बात की जिस तरह के जो सिक्स ईयर्स ऑफ मेंटल एज है वो डिटर्मिन करता है आपकी इस चीज़ को कि उसके सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ जो हैं वो अगर डिलेड भी हैं और उसका जो मेंटल एज है वो अप्रॉक्सीमेटली टू सिक्स इयर्स है तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि जो बच्चा है उसको ये वाला इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है ठीक है और देन द एफ क्राइटेरिया जो कि आप अक्सर डीएसएम फाइव के हर डिसऑर्डर में पढ़ोगे कि जो भी प्रॉब्लम है जो एग्रेशन है या अगर आप कोई और डिसऑर्डर पढ़ रहे हो तो उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो किसी भी अदर मेडिकल कंडीशन के साथ या डिसऑर्डर के साथ वेल well एक्सप्लेन ना हो सकें मिसाल के तौर पर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कंडक्ट डिसऑर्डर है ऑपोजिशनल डाफियन डिसऑर्डर है अल्जाइम या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है अब ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये अदर देन दैट यानी एक शख्स आपके पास या एक बच्चा आपके पास जो आया है उसको दूसरे डिसऑर्डर्स तो हैं उनके अंदर भी एंगर का कंपोनेंट एक्सप्लेन होता है मगर ये उसका एंगर का कंपोनेंट जो है ये इतना एक्सेसिव है कि वो इंडिपेंडेंट जो है वो अटेंशन अगर गेन करेगा तो उस वक्त हम उसे कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है अगर उसको कोई और मेंटल डिसऑर्डर है तो देन अगर उसको कोई और मेंटल डिसऑर्डर नहीं है लेकिन उसको सिर्फ इम्पलसिव एग्रेसिव बिहेवियर का प्रॉब्लम है तब भी आप उसे इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर डिसग्नोज करोगे इसी तरह अदर मेडिकल कंडीशन जिसमें हेड ट्रामा या अल्जाइमर डिजीजेज वगैरह हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ना हो रहा हो जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज़ लेस लाइकली कि आफ्टर फोर्टी ईयर्स जो है ये डिसऑर्डर एग्जिबिट हो ये उससे पहले पहले एग्जिबिट हो सकता है ठीक है और इसी तरह छः से अठारह साल की उम्र के अंदर अंदर यानी सिक्स टू एटीन ईयर्स में अगर किसी बच्चे को एग्रेसिव बिहेवियर अकर हो एज अ पार्ट ऑफ़ एन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर तो उस वक़्त हम उसको इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर नहीं कहेंगे अब इसका क्या मतलब है बच्चा किसी नई सिचुएशन में गया है किसी ऐसे इन्वायरमेंट में गया है जिस फॉर एग्जांपल बच्चे को बोर्डिंग भेज दिया गया है और बच्चा जो है वो वहाँ जाके मेंटली जो है भी एडजस्ट नहीं हो रहा और उसकी वजह से फर्स्ट सिक्स मंथ के अंदर उसका ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा है तो यू विल नॉट गोना गो टू वर्ड द इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर डायग्नोसिस ठीक है दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड